Good morning, my dear student. Today I will explain chapter acid and base. In my previous class, acid topic already done. Today I will start bases. First two character is too much important in this topic. Bases. Bases. Flavor wise bitter. Bitter means to say खट्टा. जब आप उसे तीखा इसमें खट्टापन होता है या तीखा थोड़ा बोल सकते हैं आप कड़वापन होता है bitter में. तो जब आप उसे टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद बिटर लगता है यानी तीखा वाला कड़वा. सॉफ्ट टू द टच चिकने होते हैं जब आप इसे टच करेंगे. बहुत ही ज़्यादा टाइप ऑफ बेसिस टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस सेकंड वीक. स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सेम एसिड करेक्टर है कॉज इन नेचर. जैसे ही आपकी स्किन पर पड़ेगा उसको बर्न कर देगा. तो आपको इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए. इसका एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेकंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सेकंड आता है वीक बेस. नॉट कोरोसिव इन नेचर. इसका नेचर कोरोसिव नहीं है. अगर आप थोड़ी बहुत आपकी स्किन पर पड़ जाता है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा. इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. थर्ड कैरेक्टर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस. बेस की प्रॉपर्टी क्या है? बिटर है टेस्ट, कड़वा थोड़ा. अगर रेड लिसमेंट पेपर लेंगे आप तो उसको वो ब्लू कर देगा. सम बेसिस होते हैं टू मच इम्पॉर्टेंट. दिस 2.3 एंड 4. सम बेसिस आर नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड सम बेसिस आर रिएक्ट विद वाटर. दोज बेसिस आर रिएक्ट विद वाटर इज नोन एज एल्कलाइज. एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंड इसका करेक्टर होता है वैन रिएक्ट विद मेटल देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट. वैन रिएक्ट विद जिंक, जिंक इज तो व्हेन रिएक्ट विद जिंक, जिंक इज अ मेटल एंड इट इज अ बेस. NaOH इज अ बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट बोथ विद ईच अदर देन फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट यूजेस ऑफ बेसेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग सोप. जितने टाइप के सोप्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है. डिटर्जेंट में यूज किया जाता है हाईली इंडस्ट्रियल लेवल पे. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे बोलते हैं. ये क्या करता है? एसिडिटी को रिमूव करता है. जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है तो उस समय मैग्नीशिया जो मिल्क होता है उसको अगर हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको न्यूट्रल कर देता है. ये बेस का कैरेक्टर है और HCl एसिड है. अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाती है. यानी रिएक्शन क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है. यानी एसिडिटी फिनिश हो जाती है. तो जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने में से यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्टिलाइजर में से यूज़ करते हैं. एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं. एंड ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड इन्फ्लुएंट गिवन ओवर बाई द इंडस्ट्रीज एंड टू द न्यूट्रलाइज एसिड सॉइल. मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस हियर लिक्विड वेस्ट. जो हम लिक्विड बना रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे जो उसमें वेस्ट लिक्विड होता है उसको लार्ज क्वान्टिटी में रिलीज करने में इस केमिकल की हेल्प ली जाती है. इसीलिए हम इसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस. So today this topic is finished. Any problem, please write comment in comment box. Thank you so much.